हमारी पार्टी हो रही है, हमारी कार है, अरे ससुरा कार है हम लोग के यहाँ, उसमें सामान ढोता है ससुर। याद करेगा आज कितना अच्छा मुस्कुराई थी ये। तेरी फितरत थी सबसे दिल लगाना, हम खामखा खुद को खुश नसीब समझ बैठे। अजीब हाल है, पाकिस्तानी सब भी एडमिशन ले लिया है क्या? कभी देखे हो कि एक लड़का के लिए दो लड़की लड़ी है? नहीं लड़ेगी। अच्छा तुम ले, हम दूसरा फंसा लेंगे, कोई बात। लाइव में आप पाकिस्तान क्या कमेंट कर रहे हो बाबू? पाकिस्तान गाना है? अजीब हाल है, पाकिस्तानी सब भी एडमिशन ले लिया है क्या? कोई ठीक नहीं है। कर राम राम। हाँ बाबू राम राम। दुनिया में याद रखिएगा, अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला, अधिकार को आपको छीनना पड़ता है। इतिहास हमें यही सिखाया, आजादी हमारा अधिकार था, मांगने से मिल जाता नहीं, मिल जाता यहाँ पे। अब इन लोग को समझाने से समझ जाएगी लोग, लेट आईवे करेगी लोग। जल्दी बैठो बाबू, बैठने के लिए नहीं है तो आप अब बताइए हम क्या करें। आज खड़े पढ़ लीजिए, नीचे बैठ जाओ। लड़की को चार दिन नीचे बैठा देंगे, पढ़ाई छोड़ देगी वो, गारंटी कहते हैं। लड़का कभी नहीं छोड़ सकता है पढ़ाई, उसको लाज जूता दे दो मार दे दो पढ़ेगा आगे। आप लोग ऐसा थोड़ी है कि ये जो जमीन पे बैठे हैं लड़के, ये अपने माँ बाप के प्यारे नहीं हैं या फिर कोई छोटे मोटे घर के हैं, ये तो माँ बाप का संस्कार है। लड़कियों की सबसे बड़ी खराबी क्या है, उन्हें हर जगह बराबरी चाहिए, मतलब हर जगह बराबरी। तो हर जगह बराबरी आपको भी रहना पड़ेगा। इस क्लासरूम में देखिए तो 20% लड़की 80% लड़का, तो दुनिया में अधिकार भी आपको 20% मिलेगा, 80% लड़कों को मिलेगा कहीं पे भी। जिस दिन लड़कियों को उनका अधिकार तभी मिलेगा जब कॉलेज और स्कूल में लड़कियां बराबरी में पहुंचने लगे, लड़का जितना उतना लड़की। देखिए फिर कैसे बराबरी नहीं मिलता, 10% पहुंचिएगा 10% मिलेगा। अब हम इसके पुरोहित देखते हैं। सबसे पहला जब भी कोई भी सम्मेलन कीजिएगा तो बहुत महापुरुष को बुलाना पड़ेगा, तो यहां से याद रखेगा कौन सा हो जाएगा, महाकश्यप। महाकश्यप अंजना ओम कश्यप नहीं। उसके बाद आपको सबको जाके बुलाना है, तो क्या हो जाएगा, सावक मीर। सबको जाके बुलाना पड़ेगा द्वितीय में, सावक मीर। अब जब दो बार सम्मेलन हो गया तो अगली बार में आपको क्या करना है, मुंह से भी बोल देंगे तो लोग चलाएंगे। किसी को दो बार अपने यहाँ बुला लीजिए ना पार्टी उटी में, एक बार पहले बुला लीजिए, दूसरा तीसरा बार में फोन कर दीजिए, चाचा पार्टी है चलाइए। अभी क्या हो रहा है पार्टी, एको पाकिस्तान में कोनो बकलो लिया पार्टी करे, वो जो वहां पे करी, ये हमारी कार है। आप लोग ध्यान नहीं दिए उस चीज पे, हमारा सबसे पहला ध्यान गया, ये हमारी कार है, पिछवा ओमनी गड़िया थी जो ये बताता है कि पाकिस्तान के लोग उस ओमनी गाड़ी में पार्टी करते हैं, हम लोग यहाँ गुंडा उसको किडनैप करने के लिए यूज करते हैं। इंडिया की किसी मूवी में देखिए ना, ओमनी गाड़िया है, उसका दरवाजा स्लाइड हो जाता है, स्लाइड करके आप किडनैप करके चल ये दुर्दशा है। सोचिए वहां की सुपर स्टार जो है, जो लड़कियां है वो स्टार की कैटेगरी में आएगी। जब पाकिस्तान के स्टार लोग का ये हाल है कि ओमनी गाड़ी में घूम रहे हैं लोग, हमारी कार है, अरे ससुरा कार है हम लोग के यहाँ, उसमें सामान ढोता है ससुर। हम लोग के यहाँ का युवा जो है, आधा तो युवा लड़का लड़की में परेशान है, वो फंस जीते तो कितना अच्छा रहते हो, फंसाओ तुम। जिसने ये तीन चीजों को हटा लिया, हमारे हिसाब से उस विद्यार्थी को उसी समय मोक्ष मिल गया। फिर उसे आगे बढ़ने से रोकेगा कौन, ये बताओ, नहीं कोई नहीं रोक। अकेले में लड़का ये रिवाइज करता कि कल खान सर क्या पढ़ाए हैं, जहां आप मैथ पढ़ते हैं वो मैथ के टीचर ने क्या पढ़ाया है, तो नहीं याद करेगा आज कितना अच्छा मुस्कुराई थी ये। मर मर ससुरा तू नहीं यहाँ पे। लड़की सबको देख के मुस्कुराती है, आप उसको अपना मत समझ लेंगे। हाँ? तेरी फितरत थी सबसे दिल लगाना, हम खामखा खुद को खुश नसीब समझ बैठे। इस सब में मत पड़िएगा, टेम्पोररी चीज को आप टेम्पोररी ही समझिएगा, अगर उसे परमानेंट समझने लगते हैं तो फिर आपकी बर्बादी होगी। समझा गया कि नहीं? मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला, उन्होंने जवाब दिया खुदा किसी एक का थोड़ी होता है। जिस लड़के ने यह तीन चीजों को निकाल दिया अपने जिंदगी से, उसके लिए आगे बढ़ने से भगवान भी नहीं रोक सकता उसको, कभी नहीं। आप लेकिन भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है, और इसमें चाइना बहुत मजा लेता है, भारत के लोग आराम से लड़ो लड़ो, एक बार राजनीति में एक बार धर्म में, एक लड़की के नाम लड़की के लिए मार हो जाता है, लड़का लड़ जाता है। कभी देखे हो कि एक लड़का के लिए दो लड़की लड़ी है? नहीं लड़ेगी। अच्छा तुम ले, हम दूसरा फंसा लेंगे, कोई बात। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? सर जी ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया जा रहा है,
सस्पेंड कर रहा है ट्विटर अकाउंट, हम फिर से ट्वीट कर देते, रुक जाओ, हद है भाई, ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने की क्या जरूरत है, इसको बैठ के एक घंटा तक ट्वीट मारते रहो, पकड़ो, रीट्वीट करते रहो, ठीक है। मेरा अकाउंट सस्पेंड नहीं ना ट्विटर का, नहीं हमारा ट्विटर पे सस्पेंड होगा, हम तो यूट्यूब पे हम फिर तहलका मचा देंगे। और यूट्यूब हम केवल अभी देखेंगे, पिछले एक हफ्ते से मेरे वीडियोस बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि हमको पाकिस्तान से इमरान खान का हम कुछ वीडियो में लिपस्टिक उपस्टिक लगा दिए थे, तो उसने हमको स्ट्राइक मरवा दिया है, तो हम एक हफ्ता के लिए थोड़ा सा अंडरग्राउंड होना पड़ा है यूट्यूब के पॉलिसी के हिसाब से, वरना एक महीना के लिए हमको रोक देगा, तो एक हफ्ता आदमी शांत बैठा है, तो थोड़ा सा शेर अगर पीछे दो कदम बढ़ाता है ना, तो लंबा छलांग मारने के लिए बढ़ाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लौट रहा है, लौटेगा तो किसी कीमत पे नहीं, ठीक है। अब हमारा 25 तारीख को वो जो डेडलाइन जो दिया गया था वो खत्म हो रहा है, उसके बाद दिखाते हैं।